बजरंगी भाईजान का जल्द आने वाला है सीक्वल। आखिरकार बजरंगी भाईजान के सेकंड पार्ट को लेकर क्या कुछ आई है बड़ी अपडेट, आखिरकार क्या कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। वेल, आपको बता दूं कि सलमान खान के एक्टिंग करियर में सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म बजरंगी भाईजान तो रही ही है। ऐसे में बजरंगी भाईजान के सीक्वल के लिए फैंस जहां एक्साइटेड थे, वहीं सलमान खान भी बेहद ज़्यादा एक्साइटेड थे। ऐसे में आपको बता दूं कि बजरंगी भाईजान के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हां, बजरंगी भाईजान के पार्ट वन को लिखा था SS राजामौली के फादर विजेंद्र प्रसाद ने, और सेकेंड पार्ट को भी विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा है। वेल, विजेंद्र प्रसाद इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहते नजर आए हैं कि वो उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी कंप्लीट कर ली है और स्टोरी को सलमान खान को भी सुनाया है, जहां सलमान खान को ये स्टोरी बेहद ज़्यादा पसंद आई। और वहीं जब ये इस पर्दे पर दिखाई जाएगी इस स्टोरी को, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। ऐसे में आपको बता दूँ कि विजेंद्र प्रसाद ये कहते नजर आए हैं कि बजरंगी भाईजान का सेकंड पार्ट बजरंगी भाईजान के नाम से नहीं बल्कि पवन पुत्र भाईजान के नाम से आएगा। इस फिल्म में 8 से 10 साल आगे की कहानी दिखलाई जाएगी, जो कि बजरंगी भाईजान में आखिरी मोमेंट पर दिखाया गया था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बजरंगी भाईजान को जिस तरीके से इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना प्यार मिला है, उतना प्यार क्या पवन पुत्र भाईजान को मिलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है, आप हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।